नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में अहम बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएसजेसी, मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला उपायुक्त भी बैठक का हिस्सा रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में सरकारी योजनाओं की प्रगति का रिव्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछला वित्तीय वर्ष अभी खत्म हो रहा है, अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पास हुआ। बैठक में उसकी योजना और हमारे संकल्पों को लेकर चर्चा की गई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आने वाली 5 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की चौथी मंजिल के मुख्य सभा कक्ष में बुलाई गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर आदेश दिए कि अधिकारी 11 से 1 बजे तक जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान ना तो वह किसी प्रकार की मीटिंग करेंगे और ना ही प्रदेश स्तर को किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सानिया हरियाणा निवास में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछला वित्त वर्ष अभी खत्म हो रहा है, अगले वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पास हुआ। बैठक में उसकी योजना और हमारे संकल्पों को लेकर चर्चा की गई। बारिश के कारण खराब हुई फसलों की अगले 15 दिन में स्पेशल गिरदावरी करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब फसलों का मुआवजा बांटने का काम मई महीने में पूरा हो जाएगा और इसी के साथ स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्तता और बजट देने पर भी बात हुई है। स्थानीय संस्थाओं को बचा हुआ पैसा 31 मार्च तक उनको देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्राम स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट की भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी कल्याणकारी योजना को चलाने में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। बैठक के दौरान परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, अमृत सरोवर, मेरी फसल मेरा ब्यूरा, दयालु योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंजीनियरिंग वर्कर्स पोर्टल आदि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को तैयार करते समय सरकार का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होता है, इसलिए अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा संवाद पर ध्यान देना चाहिए। सीएम ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। इस पोर्टल पर किसानों द्वारा अपनी पूरी भूमि का पंजीकरण किया जाए, अधिकारी यह सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपनी जमीन को खाली भी छोड़ता है तो भी वे उस जमीन का पंजीकरण पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें। इसके लिए किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑटोमेटेड पेंशन बन रही है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए सर्वे किया जाए ताकि लाभार्थियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके और यदि किसी लाभार्थी की पेंशन नहीं बनी है तो उसका पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए इस गाँव का विशेष उल्लेख किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गाँव में सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदेश के गाँव देश में रोल मॉडल बन सके। 23-24 का नया वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाएगा, उसका जो हमने बजट भी पारित कर लिया है और साल के अंत में अभी पिछले वर्ष की जो चल रही योजनाएं उनकी समीक्षा और नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प, इन विषयों को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने विषय रखा है। डिटेल हमारे अधिकारी बैठ के कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएँ हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएँ पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, इसमें फसल बीमा योजना है, फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए और वार लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और ख़ास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें, प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे, 11 से 1 चाहे डीसीज़ हैं, एडीसीज़ हैं, एसपीज़ हैं,
जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे, और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की होगी, ऐसा इनको बताया। सर, आप गांव में भी बजट को लेकर आपने पंचायत के लिए बजट का काफ़ी प्रावधान किया है, बजट गांव में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, गांव के लोग जो वो शहर की तरफ सुविधाएं लें, इसी बीच आप भी अपने कार्यक्रम गाँव में लेकर जा रहे हैं, गाँव के लोगों से सीधा कनेक्ट होने की आपने तैयारी की है, गाँव के लोग सीधा आपसे मुलाकात करके जो बजट एलोकेट हुआ है उस पर अपने सुझाव देश के, इस तरीके तमाम प्रयास आप कर रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए। देखिए, हमने चूँकि जितने लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज़्यादा ज़्यादा स्वतंत्रता ऑटोनोमी दी जा सके हम दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे, आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले पहले सब रिलीज़ हो जाएं, और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएँ जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से एक सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिससे 75% 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है, ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो किट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है, ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से एक क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गांव ने योजना बनाई उनको रिलीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गांव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गाँव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गाँव के अंदर और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5,000 से बड़ी आबादी के जहाँ कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहाँ की पंचायतें एक एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। हम अपने विधायकों को भी कहेंगे कि वो भी उन गाँव से प्रस्ताव लेकर के आएँ, ताकि उनको हम और ये मंजूरी दे सकें। 200 करोड़ रुपया इसके लिए भी रिजर्व किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती से संबंधित हुई लिखित परीक्षा में जो गलत प्रश्न आए उसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि प्रश्न सेट करने वाले व्यक्ति या एजेंसी बाहर की होती है और इससे संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो मान्य होगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पशु शल्य चिकित्सक की भर्ती विज्ञापन संख्या 41/2022 से संबंधित मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में है और इसलिए इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भर्ती से संबंधित मामला 9 फरवरी 2023 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लगा था और इसमें HPSC को एफिडेविट न्यायालय में प्रस्तुत करना है। HPSC एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए आयोग को गलत प्रश्नों के लिए जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता है। हाई कोर्ट ने 9/2 को ये केस लगा था और 9/2 को उन्होंने कहा था कि अगली डेट तक एफिडेविट एक HPSC देंगे, HPSC ने उस पर एफिडेविट देना है। अब HPSC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एफिडेविट क्या देगी, अपने नियमों के हिसाब से देगी, और नियमों में ये पहले भी हमेशा होता रहा है कि जब क्वेश्चन कोई गलत आते हैं तो ये HPSC की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्वेश्चन बनाने वाला जो क्वेश्चन यानी सेटर होता है वो बाहर का आदमी होता है, एग्जामिनर होता है, बाहर के आदमी होते हैं, उनके अपने रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी मार्किंग का निर्णय करने का काम उनका एक नियम के अनुसार होता है। वो नियम के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया वो उन्होंने हाईकोर्ट को बताना है। हाईकोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको नौकरी में देना है, नौकरी नहीं देनी है, मार्क्स कम है, ज्यादा है, उस नियमावली के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एफिडेविट जो कोर्ट में जाएगा वही HPSC का
आंसर होगा, उसी हिसाब से कोर्ट का डिसीजन होगा, वो मान्य होगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।